और इधर एटा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। लिफाफा गैंग के दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ है। एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया और तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एटा से पूरा मामला, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, लिफाफा गैंग बताया जा रहा है। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फायरिंग में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है और एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है और एक बदमाश मौका पाकर के वहां से भागा। पुलिस का एक सिपाही भी घायल है, ये जानकारी मिल रही है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लिफाफा गैंग के दो बदमाशों को गोली लगी, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। बदमाशों से मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है और तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की बड़ी जानकारी है। एक बदमाश वहां से भाग निकला है, जिसके बारे में भी लगातार जांच की जा रही है, टीमें पड़ताल कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से है। आगरा में शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के भीतर 25 साल के मासूम को रिहा करवाया। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के वृंदावन से रिहा करवाया गया है मासूम मयंक, ये जानकारी मिल रही है। और मासूम के परिजनों ने आगरा पुलिस को शुक्रिया कहा। SSP खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी सफलता मथुरा पुलिस को मिली है। आगरा में शाहगंज पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां 24 घंटे के अंदर एक 25 साल का बच्चा था जिसे रिहा करवाया गया है। और इसी के साथ पुलिस ने जो अपहरणकर्ता था उसे भी गिरफ्तार किया है। मथुरा के वृंदावन से मासूम मयंक को रिहा करवाया है और मासूम के परिजनों ने आगरा पुलिस का शुक्रिया किया। खुद SSP इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसके चलते 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। तो बड़ी खबर, शाहगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी आगरा में मिली है। 24 घंटे के भीतर ही 25 साल के मासूम को रिहा करवाया गया। नितिन हमारे साथ ही जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ में। नितिन, क्या जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि लंबे वक्त से तलाश भी थी और देखिए 24 घंटे के भीतर ये पूरा मामला सुलझ गया है। 25 साल के मासूम को रिहा भी करवा दिया गया। देखिए, आगरा पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। 25 साल के बच्चे का अगवा हुआ था और ये सनसनीखेज वारदात पूरी CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। सागंज इलाके का ये बच्चा है, 25 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, अचानक से लापता हो गया था और जब तमाम चीजें खंगालना शुरू किया तो CCTV कैमरे में एक व्यक्ति उनको ले जाता हुआ बच्चे को नजर आया। और उसके बाद तमाम लिंक्स को जोड़ा गया, कड़ियों को जोड़ा गया और उसके बाद इस पूरे जो बच्चे की लोकेशन मथुरा पहुंची है, वहां से पुलिस ने बरामद किया है। SSP आगरा खुद इस पूरे मामले में मॉनिटर कर रही थी। तो कुल मिला के कहा जाए एक बड़ी सफलता है। जो किडनैपर था वो शराब के नशे में धुत था और परिजनों ने जब उस बच्चे से बात की तो उसे याद नहीं बच्चे को कहाँ लेकर कहाँ छोड़ दिया है। और SOG टीम परिवार संग बच्चे को आगरा लेकर आई है। तो फोटो के सारे बच्चों को आगरा पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, तब लिंक्स मिले हैं और उसके बाद ये सारी पूरी खुलासा हुआ है। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है, घर के बाहर बच्चा खेल रहा था उसी समय ये शराब के नशे में दूध एक व्यक्ति आता है और उस बच्चे को चॉकलेट दिलाने के नाम पर घर से बाहर लेकर चला जाता है। ठीक है, शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।